ये आपकी फेवरेट बुक्स है ना, ये भी रख लो। दीजिए, आप हिशाना का सामान क्यों पैक कर रहे हैं? हिशाना हॉस्टल जाएगी। हॉस्टल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हिशाना से कहा था अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा। आदित्य की बेटी इशिका की तबीयत खराब हो गई, यहाँ पर पेट पेट में दर्द हो रहा है और ये सारी चीजें ना सोम्या की वजह से हुई है। हमने देखा था ना, पहले तो सोम्या और आदित्य प्लान बना लेते हैं कि भाई इनको हम बाहर भेज देंगे और हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। आदित्य, आप गुस्से में हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। बेटा, आपको जाना पड़ेगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। आप इशाना को उसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। मंगल, मैं इशाना को उसकी गलती नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अम्मा है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो बोलती है कि आदित्य तुम घर पे अकेले क्या करोगे, यहाँ पर तो सोम्या और ऋषिका पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई करने दो, और यहाँ पर उसको भी साथ में लेके चले जाते हैं। तुम्हारी गलतियों की सजा दे रहा हूँ। एक तो तुम उसकी ढंग से परवरिश नहीं कर पा रही हो, मेरी तरह होशियार बनाने के बजाय अपने तरह बेअकल बनाकर रख दोगी, इससे तो अच्छा है वो तुमसे दूर ही रहे। लेकिन यहाँ पर भाई सोम्या जो है ना वो पिज्जा वगैरह मंगा लेती है और ऋषिका भी वो पिज्जा खा लेती है, और उसको ना बाहर की चीजों से थोड़ी सी एलर्जी है और उसके पेट वेट में दर्द होने लगता है, रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं। आदित्य, होश में तो हो? बच्ची को घर से दूर करोगे क्या? क्यों भेज रहे हो हॉस्टल? बेटा, ये ठीक नहीं है, बच्ची को अपना घर चाहिए, माँ बाप चाहिए। अब यहाँ पर सोम्या क्या करती है, बाहर से ना पिज्जा मंगा लेती है और ऋषिका भी वो सारी चीजें खा लेती है। अब ऋषिका को तो ना बाहर की चीजों से रैशेज वगैरह हो जाते हैं। और हमें भी तो हमारी पोती साथ में चाहिए। पापा, मैंने तय कर लिया है, अभी आप ही कह रहे थे ना कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा हूं। तो लीजिए। और पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है उसके। अब जैसे मंगल और आदित्य और सारे लोग आते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, हॉस्टल जाएगी, वहाँ के सख्त नियम होंगे, पढ़ाई करेगी, सुधर जाएगी। मैम, मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी था, ये मेरे बच्ची के भविष्य का सवाल है पापा। यहाँ पर पहले तो जो अम्मा होती है ना वो सोम्या से पूछती है कि तुमने कुछ खिलाया था, तो बोलते कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बुलाया खिलाया था, इसने तो घर का खाना खाया है। यहाँ पर ऋषिका को भी पूछती तो बोलती कि मैंने तो घर का खाना खाया था जो मम्मी बना के गई थी। और जो आदित्य होता है ना उसको मौका मिल जाता है, वो गुस्सा करने लगता है भाई मंगल के ऊपर और कहता है कि तुमने तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हें तो भाई अपने अवार्ड और सारी चीजों का ध्यान है, यहाँ पर सुपर वुमेन जो बन गई हो तुम। और ये सब चीजें बोल रहा होता है, इतने में अम्मा बोल देती है सोम्या से कि सोम्या ये बताओ कि तुमने क्या खिलाया था इसको, तुमने क्या खाया। वो कुछ ना उल्टी सीधी सब्जियों का नाम बता देती है जो होती नहीं है, और यहाँ पर पता लग जाता है कि भी सोम्या ने मंगाया था पिज्जा। अब अम्मा उसको निकाल देगी घर से बाहर। अब यहाँ पर मंगल को डर लग रहा था ना कि भाई उसके सुहाग पे खतरा आने वाला है, तो हो सकता है ये खतरा थोड़ा टल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई निधि घर छोड़ के चली गई है और यहाँ पर लक्ष्मी पहुंच गई रेस्टोरेंट में उसको लेने के लिए। अब लक्ष्मी की वो करेगी बहुत अच्छी वाली बेइज्जती और फ्रेंड्स वगैरह भी बैठे हुए हैं उसके, और यहाँ पर लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पर